सर्दी के मौसम में गाजर का हलवा नहीं बनाया और नहीं खाया ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सर्दी के मौसम में गाजर ज्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए एक न एक बार घर में गाजर का हलवा जरूर बनता है। तो आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा विद गुलाब जामुन। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होगा और बड़ों से लेके छोटो सभी को बहुत पसंद आएगा। हेलो दोस्तों, मैं कल्पना, आप सबका स्वागत है स्वाद खाका में। आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक करिए और कमेंट करिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने गाजर लिया है, गाजर को मैंने अच्छे से धो लिया है, उसके बाद इसे छील कर हमने घस लिया है। यहाँ घसने के लिए मैंने थोड़ी सी मोटी वाली घसनी ली है। साथ ही यहाँ पे मैंने एक कटोरी खोआ लिया है, जिसका हम आधे से ज्यादा का जामुन तैयार करेंगे और जो बचेगा उसे हम गाजर के हलवे में ऐड कर लेंगे। सबसे पहले हम जामुन तैयार कर लेते हैं। जामुन तैयार करने के लिए हम आधे से ज्यादा खोआ एक बड़े बाउल में ले लेंगे। इसमें हम 2 चम्मच लगभग मैदा ऐड कर लेंगे। अब इसे हम अच्छी तरीके से पहले हाथों से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा दूध ऐड कर लेंगे और दूध ऐड करके इसे अच्छी तरीके से मसलते हुए एक डो तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हमारा डो तैयार हुआ है, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। छोटी सी एक लोई लेते हैं और इसे हाथों से गोल तैयार कर लेते हैं। अगर बॉल अच्छा बन जाता है, चिकना बनता है, तो हमारा डो तैयार हो गया है। अब इसके हम छोटे छोटे बॉल्स तैयार कर लेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि गाजर के हलवे के साथ में हम गुलाब जामुन ऐड कर रहे हैं, यानी कि हम गुलाब जामुन के साइज का ही गुलाब जामुन तैयार करेंगे। यहाँ पे हम छोटे छोटे ही गुलाब जामुन तैयार करके ऐड करेंगे और जब हम गाजर का हलवा खाएंगे और इसका जो एक एक पीस जो मुंह में पड़ता है वो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। यहाँ पे हमने सारे बॉल्स बना के तैयार कर लिए हैं। अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में तेल को अच्छे से गरम कर लिया है। अब इसमें हम एक एक करके बॉल्स को ऐड कर लेते हैं। इसे हम गोल्डन ब्राउन आने तक के भून लेंगे। जिस तरह का जामुन का कलर होता है उसी तरीके का इसे हम चम्मच से हिलाते रहेंगे, जिससे कि चारों तरफ अच्छा सा कलर आ जाए। यहाँ पर इसे हमने गोल्डन ब्राउन होने तक के अच्छे से भून लिया है। अब इसे हम एक टिश्यू पेपर रखे हुए प्लेट में निकाल लेते हैं। गुलाब जामुन तो बनके तैयार हो गया है। अब हम गाजर का हलवा बना लेंगे। यहाँ पे मैंने एक बड़ा कढ़ाई लिया है, इसमें हम घिसा हुआ गाजर ऐड कर लेते हैं। अब इसे हम अच्छे तरीके से चला लेते हैं। इसे हम ढक कर 10 मिनट तक के पकने देंगे, जिससे कि गाजर नरम हो जाए। इसे हम बीच बीच में चलाते भी रहेंगे, जिससे कि ये नीचे लगे ना। यहाँ पे मैंने इसे 10 मिनट तक ही अच्छे से पका लिया है। अब इसमें हम 3 से 4 चम्मच घी ऐड कर लेंगे। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब इसे हम ढक कर 5 मिनट तक के अच्छे से भून लेंगे। इसे हम बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। यहाँ पे इसे मैंने 5 मिनट तक के अच्छे से भून लिया है। आपको दिख रहा होगा ये अच्छे से भूंजा गया है। अब इसमें हम खोआ ऐड कर लेंगे, जो बाकी का खोआ था उसे ऐड कर लेंगे और साथ ही इसमें एक कटोरी हम शक्कर ऐड कर लेंगे। आप मीठा कम ज्यादा कर सकते हैं। अब सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 1/2 चम्मच इलायची पाउडर ऐड कर लेते हैं। अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गुलाब जामुन को हम किसी भी तरह के चाशनी में नहीं ऐड करते हुए हम डायरेक्ट इसे गाजर के हलवे में ही ऐड कर लेंगे, क्योंकि जब हमने शक्कर डाला था तो शक्कर पिघलने लगी थी और एक टाइप की थोड़ी सी चाशनी टाइप में दिखाई देने लगती है, तो वो गुलाब जामुन उसे एब्जॉर्ब कर लेगा और वो अंदर से मीठा हो जाएगा। अब इसमें हम काजू और किशमिश ऐड कर लेंगे और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे हम 5 से 7 मिनट तक ढक के पकने देंगे, जिससे कि गुलाब जामुन मीठा एब्जॉर्ब कर ले।
यहाँ पे मैंने इसे 5 से 7 मिनट तक के अच्छे से पका लिया है। अब हमारे गाजर विद गुलाब जामुन का हलवा बनके तैयार हो गया है। आप इसे गर्मा गर्म एक बाउल में सर्व कर लीजिए। इसे आप भी खाइए और आपकी सारी फैमिली को भी बना के खिलाइए। इसे जब आप एक बार बना लोगे तो इसी तरह से आप गाजर का हलवा हमेशा बनाओगे। आप इसे घर में जरूर ट्राई करिएगा और हमारे वीडियो को शेयर करिएगा।